गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डॉडट। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ टू गाइस, वन इज अ टीचर एंड अदर वन इज अ स्टूडेंट। द स्टूडेंट नेम इज फ्रैंक एंड द टीचर इज मिस्टर हैमर, हु हैज पास आउट हिज 40 इयर्स इन दैट स्कूल। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रेंच, he is never interested in his study, he never liked his teachers, he always passed his times to swim in a river, to enjoy in the boats, to search out what's next to. But when he knew that he has been a slave by Prussia, then what had happened we should know after studying this chapter. And before studying this chapter, we should know the summary of this chapter too. देखिए क्या होता है कि फ्रेंच, सबसे पहले हमें जानना चाहिए फ्रेंच का जो नाम है वो फ्रांस से स्टैंड करता है, F R A N C E। देखिए ये फ्रांस की कंट्री का नाम है और F R A N Z फ्रेंच, ये हमारा स्टैंड है। तो फ्रेंच स्टैंड फॉर फ्रांस। कभी कभी स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हैमर में और फ्रेंड में, जिस तरह से हमारा इंडिया और इंदिरा, इंदिरा गांधी को है तो इंदिरा स्टैंड फॉर इंडिया, इन द सेम वे फ्रेंड स्टैंड फॉर फ्रांस। क्या होता है कि बच्चों कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था, प्रूसिया और फ्रांस में लड़ाई हो गई थी। फ्रांस के दो ब्लेजे जो हैं जिनका नाम अल्सेस है और लॉरेन, वो फ्रांस के हाथों से निकल जाते हैं और प्रूसिया के सोल्जर उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि वहां से प्रूसिया से ऑर्डर आते हैं जर्मनी, जर्मनी और प्रूसिया दोनों कोलिएशन आर्मी थी, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। तो जर्मनी से ऑर्डर आते हैं कि इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो हटा दो, जो फ्रेंच लैंग्वेज है यहाँ के जितने टीचर्स हैं उनको हटा दो, हमारे सारे के सारे जर्मन टीचर्स आएंगे, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब देखिए किसी भी देश में वहां की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज आइडेंटिफाई करती है उस देश के लिए, और उस लिटरेचर में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने लीडरान होते हैं, वो उसी देश के वॉरियर्स होते हैं। तो जर्मनी ने ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, इनके लिटरेचर को चेंज कर देंगे, इनकी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, बिकॉज दोज पीपल वर देन प्रूसियंस नॉट फॉर फ्रेंच, क्योंकि अब उनकी रियल आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी, अब वो फ्रेंच पीपल नहीं थे। वो ये नहीं कह सकते आई लव माई फ्रांस, आई लव माई फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अब उनको प्रूसिया के सोल्जर्स में हमें हाँ मिलानी थी, उन्हें अब यही कहना था आई लव प्रूसिया और आई लव माई प्रूसियन लैंग्वेज। और क्या होता है कि 40 साल सर्विस करने के बाद जो मिस्टर हैमल है वो लास्ट लेसन क्लास में देता है, वो कहता है कल मुझे यहां से जाना है, अपने बैग एंड बैग के साथ सारा सामान मैं लेके यहां से चला जाऊंगा, और हो सकता है मैं फिर कभी भी आप लोगों को ना देखो, क्योंकि अब मुझको ये एरिया जो लॉरेन एंड अल्सेस है अब ये फ्रांस के हिस्से नहीं है, अब ये प्रूसिया के हिस्से है। हमारा जो फ्रेंड है ये जो कभी स्टडी में इंटरेस्टेड ही नहीं था, जब उसको ये पता लगता है कि अब हम गुलाम हो चुके हैं, अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसे अपने टीचर से मोहब्बत हो जाती है, अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत हो जाती है। वो ये चाहता है कि मैं सब कुछ आज ही सीख लूं। टीचर भी जो थोड़ा केयरलेस था, टाइम टू टाइम केयरलेस हो जाता था, कि जैसे अगर उसे फिशिंग करने जाना तो छुट्टी कर दी, या किसी को पनिशमेंट देना है बच्चे को तो कह दिया कि जाइए मेरी क्यारियों में पानी लगाइएगा। देखिए अगर एक स्टूडेंट्स बंक मारता है तो टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो खाली पीरियड में उसको पढ़ाए, लेकिन टीचर की ये लापरवाही होती है, वो किसी ना किसी तरीके का पनिशमेंट देके स्टूडेंट को अपना पीछा छुड़वा लेता है। तो उस दिन जो मिस्टर हैमल है वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं, बच्चों की गलती स्वीकार करते हैं, उनके गार्जियंस की गलती स्वीकार करते हैं कि देखिए आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे स्टडी में, अब देखिए
आपको कोई फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाला नहीं होगा, आप सभी लोग प्रूसियन बन जाएंगे। और ये मेरा आखिरी चैप्टर है, मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूँ, लेकिन ऐसा एक दिन में तो नहीं हो सकता, यू नो वेल, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। और ये एक सरप्राइजिंग मैटर था कि जिस दिन मिस्टर हैमर जाने से एक दिन पहले जब लास्ट लेसन दे रहे थे, तो फ्रेंच को सारी चीजें समझ में आ रही थी जो कुछ मिस्टर हैमर पढ़ा रहे थे, है ना। ताजुब वाली बात कि टीचर भी वही है, स्टूडेंट भी वही है, लेकिन फ्रेंच कभी भी उसकी बात को नहीं समझ पाया, उसे लगता था यार ये क्या पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब उसके उसका जो कॉन्सियसनेस जागा, जब उसको लगा अरे यार ये तो टीचर हमको कभी मिलेगा ही नहीं, ये लैंग्वेज भी अब हमारी बेगानी हो चुकी है, ये फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी, क्योंकि नाउ आल वी आर प्रूसियन नॉट फॉर फ्रेंच, तो उसको सारी लैंग्वेज समझ में आती है, सारे आर्टिकल समझ में आते हैं, सारी ग्रामर समझ में आती है, तो सरप्राइजिंग मैटर होता है। तो बिल्कुल यही आप लोगों के साथ और एक टीचर के साथ होता है। देखिए एक क्लास में हम अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, टीचर वही है, टीचर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सारे बच्चे समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। नियर अबाउट 45 और 60 स्टूडेंट्स में 20 या 25 बच्चा ऐसा होगा जो टीचर की बात को समझ रहा है, बाकी क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनका माइंड किसी का स्विमिंग में होगा, किसी का स्वीट्स में होगा, किसी को घर जाने की गलती होगी, कोई बेमन स्कूल आया होगा, जिसकी वजह से जो टीचर समझा रहा है वो उसकी समझ में नहीं आएगा। अगर हमारा कॉन्सियसनेस, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल क्लास में ही है, तो जो कुछ टीचर हमको सिखा रहा है वो सारा का सारा हमको समझ में आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर एंड यू शुड ऑल्सो बी सो मच अवेयर एंड क्यूरियस फॉर दिस चैप्टर। और इसके जो 1 or 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका चैप्टर कहां से शुरू होता है वो समझ लीजिएगा। फ्रेंच जो है आपका ये स्टूडेंट फ्रेंच, वो स्कूल के लिए जा रहा है, स्कूल के लिए देर हो चुकी, तो उसको लगता है कि मेरा टीचर मुझे डांटेगा, मारेगा भी स्केल से, तो वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। और वो उसके ऊपर जो बीती है उस वक्त, वो आपके लिए आपके सामने पेश कर रहा है। सो ओपन योर चैप्टर द लास्ट लेसन, हियर फ्रेंड स्टार्ट्स। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participants. मैं बहुत डरा हुआ था। पहली बार मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था, दूसरी बार मिस्टर हैमल जो मेरे टीचर थे उन्होंने होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का, और उन्होंने कहा था कि देखिए बच्चों आज मैं पार्टिसिपेंट्स को सुनूंगा, आप याद करके आइएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच कहता है यार मुझको तो कुछ भी याद नहीं था, मुझे तो आज बहुत पढ़ना था, बहुत मारेंगे मेरे टीचर। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कुछ समय के लिए मैंने सोचा यार मैं बंक मार जाता हूं, मैं स्कूल जाता ही नहीं, मैं गुड साइड में चला जाऊंगा, रिवर साइड में चला जाऊंगा, वहां पे अपना पूरा दिन बिता दूंगा। इट वॉज सो वार्म, द एटमॉस्फियर वॉज सो गुड, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बर्ड्स, जंगल के किनारे जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, और जो आरा मशीन का जो कारखाना था उसके पीछे द प्रूसियन सोल्जर्स फॉर ड्रिलिंग, जो प्रूसिया के सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग क्या होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग सोल्जर्स प्रैक्टिस, तो सोल्जर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको ड्रिलिंग करते कहते हैं। इट वॉज ऑफन मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्कूल से अच्छा ये सारी चीजें मुझे खींच रही थी अपनी तरफ कि मैं स्कूल ना जाऊं और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरफ मुड़ जाऊं। ये फ्रेंच कह रहे हैं जो एक स्टूडेंट था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल,
लेकिन मैंने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया और मैं क्या कर दिया, स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। देखिए बहुत ही खतरनाक टीचर था मिस्टर हैमल, घर तक पहुंच जाता था तो बच्चों का बचना मुश्किल हो जाता था, इसलिए डर के मारे बच्चे क्लास में जरूर आते थे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. देखिए उस वक्त मीडिया का तो जमाना ना था नहीं, जैसे इंटरनेट न्यूज़पेपर आते थे वो भी बहुत लेट और ड्रॉट एरिया में तो वैसे ही नहीं आते थे। तो वहां पे टाउन हॉल था जैसे कि आपके बहड़ी का नगर पालिका, और वहां पर एक बोर्ड हुआ करता था और जो कुछ ऑर्डर्स आते थे जर्मनी से फॉलो करने के लिए वहां के पब्लिक के लिए, वो वहां पर लिख दिए जाते थे, अगले दिन वहां लिख दिए जाते थे ऐसे ऐसे। तो उसने देखा इस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी थी, तो उसने सोचा यार इस ये भीड़ क्यों लगी हुई है। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी दो सालों से जितनी भी खबरें आई थी वो यहीं से रिलीज हुई थी। द लास्ट बैटल्स, हमारी सेनाएं युद्ध हार चुकी थी, ये वाली खबर। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर जो कुछ रूल्स क्वेश्चन करते थे वो वहीं से आता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं आज रुका नहीं उस बुलेटिन बोर्ड के पास रुका नहीं, और तेजी से मैं स्कूल की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि क्या बात है, वट कैन बी द मैटर नाउ। तो मैंने सोचा यार पता नहीं आज क्या ऑर्डर निकल के आया होगा प्रूसिया की तरफ जो जर्मनी के कोलिएशन में लड़ रही थी। देन एज आई हरीड वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं इतनी तेजी से दौड़ा जितनी तेजी से दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर, वहां पर एक लोहार था जिसका नाम वेक्टर था, वो बोला हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है हेल्पर, और उसका हेल्पर भी उसके साथ में था। तो वेक्टर ने मुझे आवाज दिया लड़के रुक जा क्यों भाग रहा है। रीडिंग द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी, और वो बुलेटिन को पढ़ रहा था उस न्यूज को पढ़ रहा था और मेरे पीछे से आवाज दी डोंट गो सो फास्ट बब, और मीन जो होता है बॉय, फ्रेंच लैंग्वेज में बॉय को बब बोलते हैं। ए लड़के भाग मत, क्या अब कोई फायदा नहीं है स्कूल जाने का, क्यों जा रहा है। You will get to your school in plenty of time. बहुत टाइम पड़ा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि कुछ समय के लिए तो वैसे ही स्कूल बंद हो जाएगा, तुम्हारी लैंग्वेज बंद हो जाएगी। I thought he was making fun of me and the place. Mr. Hammer, Little Garden, all out of strength. मुझे लगा कि वो जिसका नाम मिस्टर वेक्टर था वो मेरी मजाक बना रहा है, और मैं दौड़ते दौड़ते स्कूल के कंपाउंड में पहुंच गया। और जहां पर देखिए ये रेजिडेंटियल स्कूल था टीचर्स के लिए, वहीं पर मिस्टर हैमल के कमरे थे और मिस्टर हैमल ने अपने कमरों के सामने एक बगीचा बना रखा। और जब मैं उस मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंचा तो मैं बहुत तेजी से हांफ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन very loud with our hands over our ears or to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. French कहते हैं कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो बच्चों के शोर शराबे की आवाज, डेस्क टेबल्स और चेयर्स की खिसकने की आवाज, छोटे छोटे बच्चे एक यूनिसन में एक लय में गाते थे, जैसे टीचर बोलता है का से कबूतर तो सारे बच्चे बोलते हैं का से कबूतर, ऐसी आवाज, इसको यूनिसन वाली साउंड हुई ऐसी आवाज। या फिर बच्चे जब शोर मचाते हैं तो टीचर के हाथ में एक स्केल होता है, वो स्केल ऐसे करके वो टेबल पे मारता है, वो आवाज दूर स्ट्रीट तक गली तक सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ था ही, पूरा स्कूल बड़े साइलेंट मोड में था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, टीचर स्केल को रैपलिंग नहीं कर रहा था, कोई भी बच्चा शोर नहीं मचा रहा था, पूरा स्कूल संडे मॉर्निंग, जैसे संडे में स्कूल ऑफ होता है तो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट
और टू माई डैश विदाउट बीइंग सीन, और मुझे क्या था, बिना शोर मचाए अपनी डेस्क तक पहुंचना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज बिल्कुल ऐसे शांत थी जैसे कि सुबह संडे की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट, और मैंने खिड़की से अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने देखा मेरे सारे क्लासमेट्स अपनी सीट्स पर बैठे थे, मिस्टर हैमर हियर एंड देयर ऐसे चल रहे थे, और उनका जो आयरन रूलर था वो ऐसे था हाथ आर्म के नीचे। I had to open the door and go in before everybody. और मुझे क्या करना था, दरवाजा खोलना था बिना किसी सबके सामने अंदर जाना था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप अनुमान लगा सकते हैं मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितनी शर्म आ रही थी मुझको। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा था टीचर मेरा मारेगा, मुझे डांटेगा, मुझे बेइज्जत करेगा, ऐसा टीचर ने कुछ नहीं किया। मिस्टर हेमंत सामी एंड सैड वेरी काइंडली, कमाल हो गया, मिस्टर हेमंत ने मेरी तरफ देखा, बड़े प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। देखिए हम आज का चैप्टर शुरू करने वाले थे लेकिन आपको देर हो गई, तो अब कब तक इंतजार करते, अब आप आ गए हो, जल्दी से बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. तब तक मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? और देखिए मैंने उस दिन क्या देखा, आज का मेरा जो टीचर था बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुआ था, ग्रीन कोट पहने हुआ था, स्पेशियल कोट पहने था। His frilled shirt, देखिए पहले जो शर्ट होती थी वो झलकदार चलती थी, ये यहाँ पे झालर लगी होती थी, ऐसी लग रही होती थी खूबसूरत, और यहाँ पे भी लगी होती थी, तो वही फ्रंट शर्ट पहना था। लिटिल सिल्क कैप और रेशम की छोटी सी कैप लगाया था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और पूरी डेकोरेटेड थी वो कैप, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये कपड़े मेरा टीचर उस दिन पहनता था जब कोई अधिकारी आता था वहां पर, या फिर हमको प्राइज दिए जाते थे तब ये कपड़े पहनता था मेरा टीचर, ये मिस्टर हेमंत, समझ लीजिएगा ये मिस्टर हेमंत हेड थे वहां के। बिसाइड्स द होल क्लास, होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन आज मुझे एक चीज में सबसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी उन पर ब्लेजर्स बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा यार यहाँ पर तो स्टूडेंट्स बैठने चाहिए, ये हमारे गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the blazed pupils sitting quietly like ourselves. जैसे हम बैठते हैं वैसे सारे गांव के लोग बहुत ही शांति से बैठे थे। ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, उसमें एक बुजुर्ग जिसका नाम हौसर था वो बैठा था और तिकोनी टोप लगाया था। द फॉर्मर मेयर, हमारे नगर पालिका के जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पुराने पोस्टमास्टर थे वो बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और इसके अलावा और दूसरे लोग भी बैठे थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एवरीबडी लुक्ड सैड, और सबसे बड़ी बात ये थी जितने लोग बैठे थे सारे के सारे बहुत परेशान थे, दुखी थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, देखिए प्राइमर मानी होती है बुक, और जो ओल्ड हॉसर था वो एक बहुत ही पुरानी किताब लेके आया था, थंब एट द एजेस और जो किनारों पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उस किताब को उसने अपने से घुटनों पर रख लिया था और चश्मे से उसको पढ़ रहा था। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हेमंत माउंटेड हिज चेयर, और जब मैं
ये सारी चीजें सोच रहा था तभी मिस्टर हैमबर्ग कुर्सी पर आए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और बहुत ही दुख वाली टोन में विच ही हैड यूज टू मी जैसे कि वो मुझसे बोले थे बोले माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू ये आखिरी लेसन है मैं आखिरी बार आज आपको पढ़ा रहा हूं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम पार्लियामेंट टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स और देखिए अब इन स्कूल्स में सिर्फ जर्मनी वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ऑफ अल्सास एंड लॉरेन याद रखिएगा ये टू विलेजेस थे जहां पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था और ये दोनों जो विलेजेस थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे अल्सास एंड लॉरेन पे अंडरलाइन कर लीजिए द न्यू मास्टर कम्स टुमारो नए टीचर कल आ जाएंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन देखिए वो लास्ट लेसन नहीं होता देखिए यहां पर लिखा है द लास्ट लेसन लेकिन यहां पर लिखा है द लास्ट फ्रेंच लेसन वो कहता है ये आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव और मैं चाहता हूं आप लोग बहुत ही अटेंटिव रहें What a thunder clap these words were to me. Thunder clap का मतलब और ये मेरे ऊपर तो एकदम से बिजली गिर गई मेरा ऐसा दिल बैठा जा रहा था कि अरे यार ये क्या हो गया Oh, the wretches. अरे वो दुष्ट लोग कहता है जर्मनी वाले लोगों को That was what they had put up. The town hall आप समझ में आया ये जो ब्रिटिश बोर्ड था उस पर यही वाली खबर लिखी थी कि कल से यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज My last French lesson, अरे मेरा ये तो आखिरी French lesson है Why I hardly knew how to write, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखूं I should never learn anymore, I must stop there then, oh how sorry I was for not learning my lesson for, अब देखिए ये बहुत ही important part है ये पहला इसको underline आप कर लीजिएगा यहाँ पर जो फ्रेंच है वो पछताता है जब टाइम कितना हिंदी में कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत तो भाई चिड़ियों को आपने देखा नहीं खेत में सारा दाना चुग गई अब उसमें कुछ क्या थोड़ी होगा तो ऐसे ही फ्रेंच पछताता अरे यार मैंने अपने टीचर की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया मैं पढ़ा क्यों नहीं मैं चिड़ियों के अंडे खोजने क्यों जाया करता था मैं स्कूल को बंक क्यों करता था मैं नदी में नहाने चला जाता था स्कूल टाइम में और लौटता ही नहीं था तो ऐसे वो अपने आप को कोसने लगा वैसा ही मेरे साथ होता है वैसा ही आपके साथ होता है जब जिस वक्त जो काम करने का वक्त होता है नहीं करते पढ़ने के टाइम पढ़ते नहीं है और उसके बाद समय निकल जाता है और जब समय निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है एंड माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव द टाइम नाउ टू स्टडी सो मेक योर स्टडी विद होल हार्ट इसलिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए बहुत ध्यान से करिए पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा इधर उधर के चक्कर में ना पढ़िएगा स्पेशली फॉर द बॉयज गर्ल्स को दिमाग लगाती है लेकिन बॉयज को पढ़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल ऐसा नहीं है सारे के सारे लेकिन रेशियो जो है ना पढ़ने वालों का ज्यादा है बॉयज में लेकिन फिर क्या होगा बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये जो फ्रेंच है वो पछताता है देखिए सुनिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा वो कहता है ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन अरे मैं पढ़ता तो नहीं था क्लास में फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स मैं चिड़ियों के अंडे क्यों ढूंढने चला जाता था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार अनेमा प्लेस तो मैं क्यों उस नदी पर फिसलते हुए उस पर जंप करते हुए नहाता था वहां पर सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर और मुझे ये ग्रामर इतनी भारी क्यों लगती थी एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस और मेरे जो पुरखों की कहानियां थी वो मैं क्यों नहीं पढ़ता था वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप और मैं अपनी किताबों को सीने से लगा कर रखना चाहता था मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो जो चीज सिलेबस से बाहर हो गई या फिर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो किताब नहीं रह जाती वो सिर्फ एक वेस्ट हो जाता है रद्दी बन जाती है
एंड मिस्टर हेमंत टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और मिस्टर हेमंत खुद परेशान थे कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, और रूलर आयरन रूलर, बच्चे मिस्टर हेमंत को सनकी बोलते थे जब वो पढ़ाता था या वो सिखाने की कोशिश करता था और बच्चे नहीं सीखते थे तो उन्हें पीटता था, तो हेमल के लिए फ्रेंच बोला है कि अब मुझे ये टीचर जिसको हम सनकी बोलते थे, ये जो टीचर जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताता था, आप मुझे इस पे मोहब्बत हो गई थी, मुझे इस पे प्यार आ रहा था, आज मुझे पता लग रहा है कि हम लोग कितने गलत थे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टू, हमारा सीनियर वन, हमारा बड़ा भाई, हमारा टीचर, हमारा फादर, कोई भी हमारा वेल विशर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर वो आपको अपना समझता है तो कभी भी आपको गलत बात नहीं बताए। वो बंदा चाहे सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में या सक्सेसफुल ना हो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सही बात बताता है, वो ये चाहता है कि जो गलतियां मैंने करी वो मेरे यंग वंस ना करें, वो मेरे डियर्स ना करें, जो परेशानियां मैंने सफर्ड की वो ये सफर ना करें। लेकिन क्या होता है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बड़ों की बात मानते हैं और सही बात को मानते हैं, गलत बात को तो बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतिहास याद रखिएगा, हिस्ट्री इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है कि जो गलतियां हमारे पूर्वज कर रहे हैं वो हम ना दोहराएं, और जो अच्छाइयां उन्होंने की थी आगे बढ़ने के लिए उनका हम फॉलो करें, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे बढ़ते हैं, पुअर मैन बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट He had put his fine Sunday cloth. देखिए क्रिश्चियनिटी थी तो संडे में ये प्रे करने जाते हैं चर्च में, तो वही कहता है कि अरे ये इसीलिए इसने आज संडे वाले क्लॉथ पहने, संडे वाले का मतलब वही चर्च में जाने वाले कपड़े। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और मैं समझ गया था कि ये जो ओल्ड मैन है मेरे गांव के वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं, वो उसको रिवरेंस देने आए हैं, सम्मान देने आए हैं उसको। They are in the back of the room. It was because they were sorry. ये लोग इसलिए आए हैं कि उन्हें बड़ा दुख था, too many feel that they had not gone to school more. और ये लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master. और इस तरीके से वो हमारे टीचर को थैंक्स बोलने आए हैं for his 40 years of faithful service, क्योंकि उसने अपनी वफादारी से 40 साल सेवाएं दी यहाँ पर। And of showing their respect for the country that was theirs no more. और उस सम्मान देने के लिए आए उस देश के लिए कि वो अब कितना भी बोलते रहे कि all we are French, French, French. No, now they were Prussians. अब वो फ्रेंच नहीं थे क्योंकि अब कब्जा हो गया था जर्मनी का, अब वो प्रूसिया का एक हिस्सा था। While I was thinking all ऑफ ऑफिस, और जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, और तभी मैंने सुना कि मिस्टर हेमल ने मेरा नाम मुझे बुलाया। इट वॉज माई ट्रुथ टर्न टू रिसाइड, मेरा नंबर था वो पार्टिसिपेंट्स के रूल्स को बताने के लिए। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट ऑल थ्रू, और आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं भी जानता था कि मुझे पार्टिसिपेंट्स का एक शब्द नहीं आता था, तो मैं कैसे बता सकता था उसको। अब तो मैं समझ गया था कि मिस्टर हेमल मुझे बहुत मार लगाएगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंक, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और ऐसा नहीं था कि मैं सारी पार्टिसिपेंट्स को अच्छी तरीके से बता दूं बिना मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्कूल देयर, लेकिन मैंने बताने की कोशिश की और सब उल्टा सीधा बता दिया।
होल्डिंग ऑन माई डैस माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं अपनी डैस को इस तरह से पकड़े हुए था, देखिए, और ऐसे सर झुकाए हुए था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने सर को उठा सकूं, शर्म की वजह से और डर की वजह से। आई हर्ड मिस्टर हेमंत से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमंत मुझसे कह रहे थे, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लगेगा, सी हाउ इट इज, अब देख लो यार अब क्या हो गया, अब तुम ही देख लो, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि पढ़ाई करो और तुमने पढ़ाई नहीं की, और आज देखो क्या हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से ही बोलते हैं, अरे अब कल कर लेंगे, और कल के चक्कर में देखो क्या होता है, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। टाइम उस रेत की तरह है कि जिस तरह से हम उस रेत को जितना कस के मुट्ठी में दबाते हैं उतनी तेजी से वो रेत हमारे हाथों से निकलता चला जाता है। अगर हमने टाइम का यूटिलाइज नहीं किया तो आप समझ लीजिएगा हम सारी चीजों को अपने हाथ से निकालते हुए चले जाएंगे। और कहते वाह यही तो सभी लोग कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, आई विल लर्न इट टुमारो, अरे कल याद कर लेंगे इसको, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज आप देख लो आज हम कहां खड़े हुए, कहां आ गए, आज हम गुलाम हो चुके हैं, आज हम फ्रेंच नहीं हैं, आज मुझे तो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं आपको फ्रेंच पढ़ाऊंगा, और जर्मनी ये नहीं चाहती कि मैं फ्रेंच पढ़ाऊं, जर्मनी चाहती है जर्मन पढ़ाई जाए, तो मैं तो चलो मुझे वो लोग फ्रांस में धकेल रहे हैं, उस एरिया में धकेल रहे हैं जहां से फ्रांस खत्म होता है, लेकिन आप तो हमेशा रहोगे, आपके खेत खलियान सब यही है, आप सब गुलाम वाली जिंदगी जियो। दैट इज अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, वो कहता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, पूरे अल्सेस गांव का दोस्त है जो सारी चीजों को कल पर छोड़ देते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और पढ़ाई लिखाई की बात करो तो वो कल के लिए छोड़ देंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम कितना भी बहाना बनाओ कितना भी घमंड दिखाओ कि यू आर फ्रेंच बट यू नो वेल दैट नाउ यू आर नॉट फ्रेंच, नाउ यू आर प्रूसियंस, अब आप प्रूसियंस हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और आज के बाद ना तो तुम अपनी लैंग्वेज लिख पाओगे और ना ही अपनी लैंग्वेज बोल पाओगे, क्योंकि सारे ऑफिशियल वर्क जो है वो किसमें शुरू हो जाएंगे, जर्मन लैंग्वेज में शुरू हो जाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिटिल फ्रेंड ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसमें मेरा दोस्त है, तुम्हारे मम्मी पापा का दोस्त है, अल्सेस के लोगों का दोस्त है। It is a long question, so many times it has come in an exams too. यहाँ से I had Mr. Hemant से लेके ये कि